हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डीडीएम फार्मा क्लासेस। आज हम आपको अनदर सब्जेक्ट का डिस्कशन दे रहे हैं, बायोकेमिस्ट्री। अभी तक आप जो स्टडी कर रहे थे फार्मा टेक के बारे में कर रहे थे। बायोकेमिस्ट्री का जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने कार्बोहाइड्रेट का डिस्कशन दिया था। नाउ दिस इज सेकेंड लेक्चर, वी डिस्कस अबाउट प्रोटीन। व्हाट इज प्रोटीन? प्रोटीन जो होता है वो बिल्डिंग ब्लॉक मटेरियल होता है। आपसे कोई पूछे प्रोटीन का डिस्क्रिप्शन, तो प्रोटीन क्या होता है? बिल्डिंग ब्लॉक मटेरियल होता है किसी भी ह्यूमन बॉडी का। बिल्डिंग ब्लॉक मटेरियल है किसी भी ह्यूमन बॉडी का। और ये प्रोटीन बेसिकली जो डेराइव्ड होता है वो डेराइव्ड होता है हमारा अमीनो एसिड। जो ह्यूमन जेनेटिक्स की अगर हम बात करें तो इसमें ह्यूमंस की कोडिंग होती है। उस जेनेटिक्स कोडिंग से सीक्वेंस पता चलता है अमीनो एसिड का। फिर अमीनो एसिड के सीक्वेंस जब टीआरएनए से आरआरएनए टू एमआरएनए प्रोसीड होते हैं तो वहाँ पे हमें प्रोटीन बनता है। अमीनो एसिड का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, मैं अमीनो एसिड की मेनली हम बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें, ये होता है सी एच आर एन एच टू सी डबल ओ एच। अब इसमें देखिए एसिडिक करेक्टर भी है, बेसिक करेक्टर भी है एंड एम्फोटेरिक करेक्टर भी है। अगर आपसे कोई डिस्क्राइब करके पूछे कि एसिडिक करेक्टर किस वजह से है तो वो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड सी डबल ओ एच ग्रुप की वजह से। बेसिक करेक्टर जो इसमें आता है वो एन एच टू ग्रुप की वजह से होता है। और जिस भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में एसिडिक करेक्टर और बेसिक करेक्टर दोनों एक साथ शो करते हैं, दैट इज सो एम्फोटेरिक नेचर। इसी अब इसका हम प्रोटीन का जो हम क्लासिफिकेशन करेंगे, तो प्रोटीन का क्लासिफिकेशन एक तो हम उसके पोजीशन के हिसाब से कर सकते हैं और एक हम उसके मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से कर सकते हैं। अगर हम पोजीशन के हिसाब से करें तो दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो जो बेसिक स्ट्रक्चर है इसका, इसमें आर की पोजीशन बदलेगी, मतलब डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स बदलेंगे जिसकी वजह से इसका नेमिंग अलग हो जाएगा, अलग तरीके का प्रोटीन आएगा। दूसरा उसके अल्फा बीटा गामा की वजह से हम उसकी पोजीशन चेंज दिखा सकते हैं। दूसरा जो हम इसका डिस्क्रिप्शन देंगे मॉलिक्यूलर वेट, प्रोटीन जो होता है उसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत हाई होता है। हाई मॉलिक्यूलर वेट में जो नेमिंग आती है इसमें एक होता है हमारा फाइब्रस प्रोटीन और दूसरा होता है हमारा ग्लोब्यूलर प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन है ग्लोब्यूल। फर्स्टली हम डिस्कस कर लेते हैं पोजीशन के हिसाब से, देख लेते हैं पोजीशन में क्या है। देखिए जो बेसिक स्ट्रक्चर है सी एच एन एच टू सी डबल ओ एच आर, न तो सी एच बहुत पावरफुल है वो अपना पोजीशन चेंज करेगा और ना तो एन एच टू खुद बहुत पावरफुल है, ना तो इसको कोई रिप्लेस कर सकता। अगर कोई रिप्लेस होगा तो होगा हाइड्रोकार्बन, क्योंकि हाइड्रोकार्बन की ईएन वैल्यू इतनी नहीं होती है कि इसको कोई रिप्लेस न कर। इसकी सी डबल ओ एच की ईएन वैल्यू बहुत हाई होती है, एनएच2 की ग्रुप की भी ईएन वैल्यू बहुत हाई होती है। इस रीजन से हम इसका केवल आर की जगह पोजीशन चेंज कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप देख लीजिए ग्लाइसिन, ग्लाइसिन का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो सी एस आर की जगह पे यश, बाकी सब सेम जैसे एनएच अमीनो ग्रुप का होता है। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? ग्लाइसिन। इसी तरह एलेनिन, आर्जिनिन, सल्फोनिन, कई टाइप्स के। बस यहाँ पे अगर यश की जगह पे हमारा सी एस थ्री आ जाए पोजीशन तो ये कंपाउंड बदल करके दूसरा प्रोटीन आ जाएगा, दैट इज एलेनिन। फर्दर हम पोजीशन के हिसाब से जो डिस्क्रिप्शन देंगे वो केमिकल स्ट्रक्चर, पोजीशन में भी सब डिवीजन जाइए तो केमिकल स्ट्रक्चर जाएगा। केमिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से थ्री पोजीशन डिवाइड कर सकते हैं, अल्फा बीटा गामा। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अल्फा बीटा गामा को हम कैसे डिसाइड करते हैं। जैसे बेसिक स्ट्रक्चर इसका होता है सी एच आर एन एच टू सी डबल ओ एच। इस R को रिप्लेस करके अगर हम यहाँ यस कर दें तो इस स्ट्रक्चर को क्या बोला जा सकता है? ग्लाइसिन बोला जा सकता है। और केमिकली इस स्ट्रक्चर का नाम बदल जाएगा बिकॉज सी डब्ल्यू एच पावरफुल है, तो ये हो जाएगा मेन फंक्शनर। मेन फंक्शनर के बगल के कार्बन को हम क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन। इसी ग्लाइसिन के ग्रुप का नाम पड़ जाएगा अल्फा एन एच टू की वजह से अमीनो वन टू।
और इसमें एक हम और कर सकते हैं सी एस 1-2 मेथेनोइक एसिड। इसी तरह अगर हम एलेनिन का एग्जांपल लें तो यहाँ पे एक कार्बन हमारा और बढ़ जाएगा सी एस थ्री, तो इसको ले सकते हैं सी डबल ओ एच मेन फंक्शनल ग्रुप के बगल का कार्बन अल्फा और उसके बगल का कार्बन क्या हो जाता है बीटा। इसको हम ले सकते हैं बीटा अमीनो प्रोपेनोइक एसिड। और अगर हम गामा पोजीशन की बात करें तो ये होता है मेन होता है सी डबल ओ एच सी एच एन एच टू, एक इधर सी एस थ्री कर दीजिए और इसके बगल भी सी एस थ्री कर दीजिए। तो सी डबल ओ एच मेन फंक्शनल ग्रुप के बगल का कार्बन अल्फा, उसके बगल का कार्बन बीटा और उसके भी बगल का कार्बन को हम क्या बोल सकते हैं गामा। तो इसको बोल सकते हैं इसमें कार्बन की संख्या देख लीजिए 1, 2, 3, 4 4 से होता है ब्यूट और सी डबल ओ एच होता है कार्बोक्सिलिक, जब इसका सफिक्स हटाएंगे तो ओइक ब्यूटेनोइक और सी डबल ओ एच एसिड होता है। बट प्रायोरिटी ऑर्डर को अगर हम डिस्क्राइब करें तो सी डबल ओ एच से भी आगे प्रायोरिटी जो मिलती है वो NH2 मतलब अमीनो ग्रुप की। तो इसको लिख सकते हैं गामा अमीनो ब्यूटेनोइक एसिड। देखिए एक तो मेन मतलब पोजीशन के हिसाब से नाम चेंज हो सकता है ग्लाइसिन आर्जिनिन एलेनिन सल्फोनिन इस टाइप से, और एक उसके उसके भी अंदर डिस्क्रिप्शन है वो है केमिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से। अब हम नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट जो डिस्क्रिप्शन दिए थे वो था हमारा ये मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से, जिसका 1000 डाल्टन से भी ऊपर वेट होता है वो हमारे प्रोटीन में आते हैं। प्रोटीन और इसमें दो ही आते हैं मैंने, एक फाइब्रस प्रोटीन होता है और एक ग्लोब्यूलर प्रोटीन होता है। फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोब्यूलर प्रोटीन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। फाइब्रस प्रोटीन एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फिर कॉयल बनाने लगता है, कॉयल बना के एक हार्ड स्ट्रक्चर बनता है, ऐसे प्रोटीन को हम बोलते हैं फाइब्रस प्रोटीन। और ग्लोब्यूलर प्रोटीन में क्या थ्रेड नहीं होता, इसमें डायरेक्टली स्फेयर होते हैं, उस स्फेयर में भी कॉयलिंग होती चली जाएगी, जब कॉयलिंग होता चला जाएगा तो ऐसे प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं ग्लोब्यूलर प्रोटीन बोलते हैं। अब हर टाइप की प्रोटीन हमारे लिए इसेंशियल नहीं है, क्योंकि प्रोटीन टू टाइप्स के हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, एक इसेंशियल प्रोटीन और एक नॉन एसेंशियल प्रोटीन। तो प्रोटीन का हम टेस्ट कर लेते हैं, प्रोटीन के टेस्ट में सबसे पहला टेस्ट हम देख लेते हैं दैट इज बायोरेट टेस्ट। बायोरेट टेस्ट में क्या होता है कि आप प्रोटीन जो होगा उस प्रोटीन का सोल्यूशन लीजिए, उस प्रोटीन के सोल्यूशन के साथ ऐड कर दीजिए CuSO4 कार्बो कॉपर सल्फेट को ऐड करने के बाद अगर हमें वॉलेट कलर अपीयर होता है सोल्यूशन जो हम देखेंगे उस सोल्यूशन में अगर हमें वॉलेट कलर दिखता है इट मींस दैट कि प्रोटीन अवेलेबल है यहाँ पे। सेकंड टेस्ट इसका एक हम देख सकते हैं दैट इज जेंथोप्रोटिक एसिड। जेंथोप्रोटिक एसिड टेस्ट में क्या होता है जो हमारा प्रोटीन होगा उस प्रोटीन का हम क्या ले लेंगे, उस प्रोटीन का हम सोल्यूशन ले लेंगे, प्रोटीन का सोल्यूशन ले लेंगे, उस प्रोटीन के सोल्यूशन में जेंथोप्रोटिक एसिड डाल देंगे, जेंथोप्रोटिक एसिड को ऐड कर लेंगे। अगर हमें येलो कलर अपीयर होता है, अगर हमें सोल्यूशन में येलो कलर मिलता है इट मींस दैट की प्रोटीन दिस सोल्यूशन इज प्रोटीन। थर्ड एक टेस्ट होता है नाइट्रो क्रुशाइड टेस्ट, नाइट्रो क्रुशाइड टेस्ट। इसमें भी क्या होता है सबसे पहले आप प्रोटीन का एक सोल्यूशन बना लें, प्रोटीन के सोल्यूशन के बाद उसमें नाइट्रो क्रुशाइड केमिकल या इसका भी सोल्यूशन ऐड कर लीजिए। ऐड करने के बाद अगर यहाँ पे आपको डीप वॉलेट कलर अपीयर हो रहा है इट मीन्स दैट जो हमें सोल्यूशन मिला था वो किसका था प्रोटीन का था। नेक्स्ट क्लास में हम आपको अमीनो एसिड का डिटेल डिस्क्रिप्शन देंगे।